सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगन बेदी। इस वेले की एक वड्डी ब्रेकिंग है, साबका डीजीपी पंजाब सुमेर सिंह सैणी को गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की टीम चंडीगढ़ स्थित उन्होंने सैक्टर 20 के घर के बाहर पहुंची हुई है। दसती है कि विजिलेंस के वालों एक नवा मामला दर्ज किया गया था। हालांकि पहला यह चीज़ मनी जा रही थी कि शायद मुल्तानी केस के या फिर बरगाड़ी केस के उन्हों की कोई इतने पूछगिछ के लिए पुलिस पहुंची है, पर यह विजिलेंस के वालों इतने जिहड़ा वड्डी गिणती दे विच विजिलेंस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालांकि लोकल पुलिस भी मौजूद है और हुण इस वेले जिहड़ा दरवाजा घर का खोलण की कोशिश दे विच ने, और एक अल्टीमेटम भी दे दिता गया कि जेकर जल्दी दरवाजा ना खोलिया तो तोड़ के अंदर दाखिल होया जाएगा। और सुमेर सिंह सैणी के वकील भी उत्थे पहुंचे ने ते विजिलेंस के अधिकारियों के नाल कहिंदे ने कि वकील ने जिहड़े सुमेर सिंह सैणी ते बहस भी हुई है। तो यह शॉर्ट्स तुसीं देख सकते हो, रात का वेला है कि कितनी वड्डी तादाद दे विच जिहड़ी इत्थे विजिलेंस की टीम पहुंची हुई है। मीडिया का भी जमावड़ा है, थोड़ी थोड़ी देर जिवें जिवें समा बीत रहा तो सिचुएशन है जिहड़ी टेंस हुंदी नजर आ रही है। असीं लॉ एंड ऑर्डर ते चलदे आए हां। नहीं की हजे तक की गल बात सामने कॉपी की रिक्वेस्ट की है भी एफ आई आर की कॉपी का साडा राइट है वो दे सू अपने बारे दसो एक मिनट मैं पहले कॉपी लेना एफ आई आर की फिर मैं डिटेल का दोबारा रिक्वेस्ट कर हजे तक कोई गलबात हुई है कि मामला दर्ज किया धक्का है ना एफ आई आर की कॉपी दे रहा ना कुछ दस रहे ठीक है नथिंग आज सामने आ सारा कुछ घेर लिया क्या एफ आई आर की कॉपी नहीं है पीपल आर ऑन हजे तक कोई इनफॉर्मेशन कोई दी है नहीं जी नहीं सामने तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉपी ऑफ एफ आई आर वास्ते वो पर चले गए जी I don't know. नहीं पर किसी ने तो पता होगा। I don't know why you asking me. I don't know. नहीं, they are telling me that you are heading the official party. Who? You guys are telling me. और ये गेट पे खड़े। Say your good name, please. राजी। And they are telling Mr. Raji is heading the party. No, I'm not. They might be lying. Your officials are lying. I'm a responsible person. If I'm saying I'm not, I'm not. Sure, sir. Who is the man? Kindly let us know. तो सी इन्हें you are in vigilance. तो सी इन्हें बंदे लगते हैं। हम इन्हें बात तो who is heading the party? अभी एक्सपेक्टिंग समवन बाहर जिवें तुहानूं पहलां तस्वीरां दिखाईआं ने कि पुलिस वड्डी गिणती च पहुंची हुई है। सीनियर ऑफिसर ने जिहड़े पुलिस दे हुण पहुंचे ने क्योंकि तकरीबन घंटा हो चलिया पंजाब पुलिस वड्डी गिणती च सिविल दे विच जिहड़ी बाहर पहुंची हुई है। तो उस तो बाद जे कहा जावे मामला की है हजे तक वो समझ नहीं किसी दे भी पै रहा हैगा। इन्ना जरूर है एक्स डी जी पी सुमेर सैणी के घर के बाहर जब वड्डी गिणती च पुलिस पहुंचती है क्योंकि पुलिस पहला भी कई बार पहुंची है, गिरफ्तारी वास्ते रेड़ा भी हुई नेगियां, पर जिमें जिमें की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोर्ट चो भी नालों नाल सैणी नूं राहत मिलती रही है। हुण भी सैणी दे कोले तुहानूं दस दईए कि ब्लैंकेट बेल है तो यह कितें ना कितें हुक्म ने गे कोर्ट दे कि जदों भी सैणी नूं गिरफ्तार करना सैणी के उत्ते कोई मामले में लैके इन्वैसटीगेट करना जो भी सैणी पुलिस ने करना तो किसी भी तरह की हरकत दे लई है जो 7 दिन पहले एक नोटिस देना होगा। ब्लैंकेट बेल है जी सैणी मिली हुई है। हुण पुलिस के सीनियर ऑफिशियल पहुंचे ने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गेट है जो खुलवाया जाए। तुहानूं यह दस दईए सैणी जैड प्लस सिक्योरिटी है जी मिली हुई है तो अंदरले पासों लॉक है यह जो दरवाजा है।
तो उन्होंने कहा कि जिद को चाबी उन्होंने बुलाया जाए, इंचार्ज में बुलाया, जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हों जे कही कि जी एड प्लस सिक्योरिटी लगी हुई है अंदर जोड़े है गे मुलाजम ने गे तो क्योंकि जो पहले कुछ लोग ऐसे देखे ने सैनी के वकील भी अंदर गए ने क्योंकि एक वकील जी कही कि ड्रैस होंगी है यूनीफॉर्म होंगी है वकील यूनीफॉर्म के अंदर गए ने गे कुछ उन्होंने मिलने वाले से जोड़े आए हुए थे हालांकि उन्होंने भी पहला गेट से रोक लिया गया पर जो अंदरों मैं अंदर मैसेज भेजते हैं भी कौन मिलने वास्ते आया तो ताइयों करके गेट खोलिया जाता अदरवाइज जो देखा जाए पहला एक शख्स को बिची रोक भी दिता गया जदों तक अंदरों सैनी होर ने नहीं किया है कि उन्होंने अंदर आने दिता जाए तो हूँ पुलिस के सीनियर ऑफिशल्स खड़े ने हालांकि उन्होंने हथ ला के भी पहला देखा कहते अंदर जिंदा लग्या होया तो फिर उन्होंने कहा कि जिदे को भी चाबी है उन्होंने बुलाओ तुम तो गलबात की लगातार कोशिश है तुम्हें दस दी है कि ब्लैंकेट बेल सैनी को मिली हुई है 7 दिन का नोटिस पुलिस ने देना है पर अज किस मकसद के नाल पुलिस इतने पहुंची है गिरफ्तारी वास्ते इन्वेस्टिगेशन वास्ते या की है ये हजे तक 705 बनया हुआ है कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही। आपको शायद पहले ही पता होगा दोपहर में वो माता जी बता रही हैं बता दिया था दिल्ली गए हुए हैं वो ठीक है हमने समय हमें अपना कम कर लेना इस दिन अब देखो मैं समझ गया मैं समझ गया। तो हमारे घर के वकील हैं रमन संधू रास्ते में अभी आ रहे हैं एक वकील साथ में होगा फिर हम दोपहर आपको ले आएंगे वो आ रहे हैं रास्ते कितना टाइम लगेगा 10 मिनट 35 सेक्टर में है मैं उन्हीं से बात कर रहा था बुला रहा मैं वापस आऊँगा माता जी के पास हैं जी नहीं नहीं जेडे घर के वकील ने जी घर के वकील कौन है रमन संधू वो आ रहे हैं रस्ते से ऑफिसर हूँ डिग्निटी है हम खोलो हम वीडियो ग्राफी करके चेक कर लेते हैं इसमें क्या है एक मिनट 2 मिनट रुकेगा हमारे वकील साहब आ जाएंगे बात कर लेंगे जी तुसीं सुणिया जिहड़ा शख्स अंदरों आया हालांकि सीनियर पुलिस अधिकारियों ने यह गल कहिंदे ने उन्हां नूं कि तुसीं गेट खोलो असीं अंदर सर्च कर लैने आ यानी कि यह गिरफ्तारी वास्ते है जिहड़ी वड्डी गिणती च पुलिस पहुंची है क्योंकि गेट का दरवाजा हजे भी खोल जिहड़ा दरवाजा है जिंदा गेट का वह खोलिया नहीं गया तो अंदरों जिहड़ा शख्स आया सी वह कहिंदा भी मैं माता जी कोल सेवा कर रहा तो साडे वकील ने जिहड़े सैक्टर 35 तो वह इत्थे आ रहे हैगे नेगे तां कहा जा सकदा कि पुलिस ऑफिशल की लगातार कोशिश यही है कि गेट खोलिया जाए असीं अंदर सर्च करना तो सर्च किस लिए करना यह हजे भी जिहड़ा कि सवाल ही बनया होया हाँ वो तो हम करेंगे पुलिस के काम में रोकोगे तो आपका भी हो जाएगा नाम ना कर देंगे पुलिस बुला लो जो कारवाई बंद कर ले मैं प्राइवेट एक मिनट भाजी नहीं प्लीज ऐ ना करो नहीं नहीं एज पर लॉ चल रहे हैं एडवोकेट हाँ मैं उन्होंने नहीं नहीं ये देखो उन्होंने एडवोकेट ने जो पहुंचे ने तो पुलिस नाल बहस है जी उन्होंने हो रही है नहीं नहीं भाजी पहुंच तुम मैं प्रॉपर जान तो नहीं रोक सकते ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲੀ ਆਪਾਂ ਐ ਨਾ ਕਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਓ ਜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਐ ਨਾ ਕਰ ਪਲੀਜ਼ ਐ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਐ ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਰ
जो ता बंद कर बट दिस इज नॉट द वे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਇਨ ਉਹਦਾ ਤੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤੱਕਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਤੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਏ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਮੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਟੱਚ ਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ 10 ਮਿੰਟਸ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਬਲੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੂਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਮਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਖਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
तो उन्होंने वकील लगातार बने हुए ने नाल ही पुलिस के सीनियर ऑफिशल ने जोड़े वो भी बने हुए हैं कह सकते हैं कि दरवाजा खुलाने लैके अंदरों फिर दोबारा एक शख्स आया तो सैनी के वकील जिम्मे पहुँचते हैं वो कहें कि हर एक कोई अफसर ने जोड़े वो आपके सैक्शन के हवाले दे रहे हैं कि सानू पावर दिता है तो दूजे पास सैनी के वकील कहें लोकल पुलिस लैके आओ हालांकि दसया यह जा रहा है कि यह विजिलेंस की टीम हैगी है तो अरैसट करने वास्ते उन्होंने पहुंचे ने जिनी गल ऐसी उन्होंने सुनी है कि जो वकील ने जानकारी दी है तो खैर देखना होगा कि आखिर करके कि विजिलेंस की टीम या कही कि जी पुलिस की टीम इतने पहुंची है कि अंदर पहुँचती है क्योंकि यह तो स्पष्ट हो चुका है कि अरैसट करने वास्ते पहुंचे ने तो पूरा मामला हजे की अजे वो खुल के आना जो बाकी है। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट कमल सुमित सिंह डेली पोस्ट पंजाबी चंडीगढ़ सुमित।